नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को सुन लीजिए। और एक चीज़, वो हमारे राज्यपाल महोदया के विधिक सलाहकार जो हैं उनको ढूंढ रहे हैं, वो भी एकदम शिद्दत से। क्या कहा उन्होंने पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य रखूँगा। बैठक उन्होंने ली और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, सारे पहली बात तो यह है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे EWS हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े होगी वो विधिक सलाहकार, हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते। फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा, वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। और दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुना, देखिए ठीक है, एक्चुअल में वो विधिक सलाहकार कुछ नहीं है, वहाँ पर बात है राज्यपाल महोदय का। विधिक सलाहकार सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन देता है, अपना राय देता है, फाइनल डिसीजन लेना राज्यपाल को है। और मैं आप सभी को बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजनीति अब होने वाली है राज्यपाल वर्सेस CM, और इसमें दोनों के दोनों अपने आप में सर्वोच्च हैं। और सुप्रीम पावर अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में, तो वो राज्यपाल के हाथों में ही होता है, उसका परिचय दे रही हैं राज्यपाल महोदया। और राज्यपाल महोदया भी कहीं बहुत हद तक सही हैं, बहुत हद तक भूपेश बघेल जी भी सही हैं, लेकिन इन दोनों के सही और गलत होने के चक्कर में छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी पिस रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आजकल बहुत ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव भाषण दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे भाषणों से उन्हें बचना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक था, और एक चीज़, अभी तक आप अगर आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।